सेशन नंबर सबको लिखना है, सेशन नंबर 8। तो 8 में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आपको सैटरडे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बेसिक आपको दिखाया था। सेम मतलब वर्ड को यूज करना है, तो लेटर क्रिएट कर सकते, ब्राउजर क्रिएट कर सकते, विजिटिंग कार्ड से अलग अलग हम लोग वर्ड का यूज करते, लाइक एड अ टेक्स्ट, टेक्स्ट को एड करना है, मतलब आपको पैराग्राफ एड करना है, कुछ लिखना है, कुछ प्रोजेक्ट यूज करना है, तो वर्ड का हम लोग इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, अपने बुक्स में लिखे सेशन नंबर 8, आज की डेट भी आपको लिखनी है। आगे लिखो हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड को किस तरह से हम लोग ओपन करेंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट लिखिए, फिर आगे एरो करेंगे, मतलब आपको लिखने के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए एरो यूज करो। देर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, आपके पास 2010 भी ऑफिस हो सकता है। अभी मेरे पास यहाँ पे ऑफिस 2013, वहां क्लिक करने के बाद अभी आज से हम लोग पूरा ये जो ग्रुप है इसी में सीखेंगे। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं लाइक अ वर्ड 2013, मतलब ये जो वर्ड है जैसे हमने नोटबुक यूज किया था, सॉरी नोटपैड यूज किया था, वर्डपैड यूज किया था, सेम ये भी इसी तरह का आपको ब्लैंक पेज दिखाई देगा। ठीक है, वर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपनी विंडो ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ रेडी टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब क्या, जो रेडी फॉर्मेट है जिसपे आप लोग इजीली टेक्स्ट या तो इमेज ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वाला वर्ड ओपन किया तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वन ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, मतलब ये पेज का यूज करके आप खुद कुछ क्रिएट कर सकते हो, या तो ये सब टेम्पलेट है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैप्पी ईस्टर, बराबर है, स्क्रॉल बार मैंने यूज किया। यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट्स, ब्राउजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ब्रोशर क्रिएट कर सकते हैं, बाद में हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे पार्टी इन्विटेशन लेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो अभी मैंने आपको दिखाया लाइक अ टेम्पलेट। टेम्पलेट में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आपके लिए ऑलरेडी फॉर्मेटिंग रहेगा, आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो खाली एडिट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे वर्ड का, तो हम लोग यूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब इसका मतलब है वर्ड की जो फाइल है उसे क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट, बराबर है, अपने बुक्स में लिखे रखो। वर्ड की जो फाइल है उसे हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपको पूरा ब्लैंक पेज दिखाई देगा। ब्लैंक मतलब जिसमें कुछ भी टेक्स्ट अवेलेबल है, यहाँ पे खुद को आपको कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया तो फर्स्ट में आपको फाइल मेनू पता है, अपने फाइल मेनू देखा है वर्ड में, नोटपैड में, होम टैब भी आपको पता है। तो ये जो अलग अलग टैब्स है, मतलब वर्डपैड से भी एडवांस, ये हमें अभी वर्ड सीख रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे रिबन अवेलेबल है। यहाँ मैंने रेफरेंस में क्लिक किया, मतलब जब भी अभी मैंने जो क्लिक किया है उसे हम लोग कहेंगे टैब। देखिए लाइक अ होम, होम पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आपको होम में अलग अलग दिखाई दे रहे फॉन्ट्स है, पैराग्राफ है, स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग, मतलब होम में आने के बाद ये जो चार पांच ग्रुप्स अवेलेबल है उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जैसे इंसर्ट में हम लोग क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, लाइक अ पेज इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं। मतलब जैसे इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो रिबन्स अवेलेबल है उसी में हम लोग पूरा वर्क करेंगे या तो प्रैक्टिस करेंगे। बाद में डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या, हमारे पास एक पेज है उसको डिजाइन करना है, मतलब उसको कलर देना है, वॉटर मार्क्स ऐड करना है, पेज कलर ऐड करना है, या तो कोई भी स्टाइल थीम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिजाइन टैब। मतलब अलग अलग टैब है, जैसे हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो उसके रिलेटेड आपको सब ऑप्शंस यहाँ पे रिबन में अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन हम लोग आएंगे होम में, होम में क्लिक करने के बाद आपको पहले वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है लाइक अ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या क्या अवेलेबल है, फर्स्ट वन कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर, मतलब ये जो चार ऑप्शन अगर आपको सीखने या तो देखने, तो हम लोग यूज करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, बराबर है।
नेक्स्ट वन फॉन्ट. फॉन्ट मीन्स क्या, जो भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे उसकी साइज कम ज्यादा करना है, फॉन्ट चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है. तो ये जो आपको पूरा ग्रुप दिखा दे रहा है, कलर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट को, ये आपको दिखाई दे रहा है लाइक अ फॉन्ट. जैसे देखो छोटा सा आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, फॉन्ट इधर लिखा है ठीक है, उसके आगे छोटा सा एरो, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा ठीक है, जिसमें देखो फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है, साइज अवेलेबल है, यहाँ पे कलर्स भी अवेलेबल है. मतलब जो ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है पूरा आपको ग्रुप में भी दिखाई देगा. एक कैंसिल मैंने किया. नेक्स्ट वन पैराग्राफ ग्रुप. जैसे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, जो ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है यही आपको पूरा मिलेगा. जैसे हम लोग छोटे एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ विंडोज में जो भी अवेलेबल है ऑन स्क्रीन है वो आपको ये डायलॉग बॉक्स में दिखा. मतलब हमें क्या क्या सीखना है. फर्स्ट वन ओपन और टैब. टैब ओपन करने के बाद पूरी रिबन यूज करेंगे. रिबन यूज करने के बाद यूज अ ग्रुप, मतलब ये जो फॉन्ट लिखा है, ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये जो स्टाइल लिखा है, तो एक एक करके हम लोग ओपन करके उसी में प्रैक्टिस करेंगे ठीक है. तो पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारा पेज पूरा ब्लैंक है मतलब एकदम एम्प्टी है, तो उसमें हमें पैराग्राफ ऐड करना है. मैंने उस दिन आपको बताया था इज इक्वल टू आर एन बी रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, बराबर है. इतना सबको पता है. चार्ट बॉक्स में आइए. इतना सबको पता है हाउ टू एड पैराग्राफ इन वर्ड. वर्ड में एक इंस्टेंट आपको रेडी फॉर पैराग्राफ चाहिए तो किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ ऐड करेंगे. अपने बुक्स में लिख के रखो इक्वल इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंड. एक बार आप लोग देख सकते हैं आर ए एन डी रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन क्लिक ऑन अ एंटर बटन. जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज करने के लिए आ जाएगा ठीक है. अभी हम लोग फर्स्ट वन सीखेंगे सिलेक्ट पैराग्राफ. सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें फर्स्ट ऑप्शन कट, मतलब ये पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए, क्लिक ऑन अ कट बटन, बराबर है. अभी फिर से चाहिए तो हम लोग जहाँ पे चाहिए वहां पे कर्सर रखेंगे देन क्लिक ऑन अ पेस्ट. मतलब आपको कट कॉपी पेस्ट यह ऑप्शन ऑलरेडी सबको पता है, यस और नो, सबको पता है कट कॉपी पेस्ट. चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए. सबको क्लिपबोर्ड ग्रुप पता है जिसमें टेक्स्ट को कट करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है, या तो उसको हम लोग, हाँ बराबर, सबने यस रिप्लाई दिया है. अभी मुझे आपको दिखाना है लाइक अ फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट मतलब क्या, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है लाइक दिस पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ी साइज बड़ा कर दी, बड़ा करने के बाद उसको बोल्ड किया, बाद में कलर अप्लाई किया, बराबर है. अभी मेरे पास एक जो पैराग्राफ है वो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, बाकी के जो ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट है. तो अभी हमें क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है उसी का फॉर्मेट नेक्स्ट जो भी हमारे पास टेक्स्ट है पैराग्राफ है उसको कॉपी करना है. तो फर्स्ट वन सिंगल टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तभी भी चलेगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तभी भी, मतलब यहाँ जो रेड कलर है वो आगे वाला जो पैराग्राफ उसको देना है. तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन अ फॉर्मेट पेंट. जैसे मैंने क्लिक किया तो जो मेरा माउस है वो पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो गया. आप देखिए ऑन स्क्रीन ये जो मेरा माउस है पेंट ब्रश में कन्वर्ट होने के बाद आपको एक टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है जिसको चाहिए इफेक्ट आप लोग दे सकते हैं. दिखाई दिया आपको, बराबर है. मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पैराग्राफ है उसको सेम डिजाइन करें. अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी. सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज किया उसको इटैलिक किया, बराबर है. अभी मुझे क्या करना है, जो पहली वाली लाइन है वही कलर बाकी सब लाइन को भी अप्लाई करना है. तो फर्स्ट वन सिलेक्ट दिस लाइन, सिलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन अ फॉर्मेट पेंटर. जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया, देखो क्लिक करने के बाद ये जो मेरा कर्सर है माउस है पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो गया. अभी जिधर भी मुझे टेक्स्ट अप्लाई करना है, खाली एक को चाहिए तो एक को भी दे सकते हैं, या तो पूरा पैराग्राफ भी हम लोग सेम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. एक बार देखिए अभी डिफरेंट है, वही खाली मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया क्लिक ऑन अ फॉर्मेट पेंटर. अभी जो मेरा रेड में पैराग्राफ है उसे मुझे क्या करना है, ग्रीन में कन्वर्ट करना है.
हम लोग इसको ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे माउस नजदीक लेके गए तो पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो गया, खाली आपको ड्रैग करके उसको सेम कलर में अप्लाई करना है। समझ में आएगा सबको? फॉर्मेट पेंटर एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन सिलेक्ट करेंगे। बाद में यहाँ पे आपको चाहिए टेक्स इफेक्ट, तो रेडी मतलब आपके पास जितना टाइम है उस तरह से जो भी आपको, ये आप ऑलरेडी मैंने सैटरडे आपको एक्सप्लेन किया है, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। देन सिलेक्ट करेंगे जो टेक्स्ट अभी हमारे पास स्मॉल लेटर्स में अवेलेबल है उसका केस हम चेंज करेंगे, लाइक अपर केस स्क्रीन पे देखिए, बराबर है। अभी ये कलर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए मैंने डार्क रेड कलर का यूज किया था, क्योंकि आपको ऑन स्क्रीन ठीक से दिखाई दे। ओके, मतलब ये जो क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, इसको हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे, या तो आपको डिटेल्स में उसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज करना है लाइक साइज बड़ा करेंगे, तो यहाँ से प्रॉपर नंबर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 26, बराबर है। अभी कम करना है तो यहाँ पे हम लोग ये आपको दिखाई दे रहा है लाइक डिक्रीज, जो फॉन्ट हमने बड़ा किया है उसको छोटा करना है, क्लीन टॉनर डिक्रीज, मतलब यहाँ से फॉन्ट साइज हमने छोटा भी कर सकते हैं। और ये साइड वाला ए है लाइक ग्रो फॉन्ट, यहाँ क्लिक करके इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे शॉर्टकट्स बटन आपको जैसे माउस रखेंगे तो दिखाई देंगे, एज ए रिक्वायरमेंट आपको चाहिए तो आपके बुक्स में लिख के भी रख सकते, क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग जितना चाहिए उतना हम लोग साइज बड़ा कर सकते, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे, देखो कितनी बड़ी साइज हो गए। बड़ी साइज होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको इस तरह से टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, मतलब 3 पेज हम लोग यूज करें। जैसे मैंने साइज बड़ी कर दी, थर्ड पेज पे अवेलेबल है हम लोग, बाद में आएंगे सेकेंड पेज पे, बाद में यूज करेंगे फर्स्ट पेज, बराबर है। अभी जैसे मैंने साइज कम किया, देखो डिक्रीज फॉन्ट साइज, मैंने साइज कम कर दिया, जो भी टेक्स्ट है खाली एक ही पेज पे मैनेज करना है, तो हम लोग साइज कम करके यहाँ पे उसका यूज करेंगे, और जो भी टेक्स्ट है इन वन पेज हम लोग यहाँ पे लाकर रख सकते हैं। देखो कितना छोटा कर दिया मैंने, बराबर, जितना छोटा चाहिए छोटा भी कर सकते, बड़ा चाहिए तो बड़ा भी कर सकते, समझ में आ रहा है सबको? अभी यहाँ पे देखो आपको ब्लू कलर का एक यहाँ पे पट्टी या तो बार दिखाई दे रहे, लाइक इसे कहेंगे मेरा कर्सर पेज के ऊपर है, पेज वन ऑफ वन, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पेज है। जैसे हम लोग साइज बड़ा करते हैं, आप लोगों को ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए पेज वन ऑफ वन। अभी जैसे मैंने साइज बड़ा कर दिया तो जो बड़ा टेक्स्ट होता है मतलब जगह कम बढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, लाइक यहाँ पे कितने पेज आ गए अभी देखो 1 of 4, मतलब हमारे पास 4 पेज अवेलेबल है। एक बार फिर से मैंने छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद अभी मुझे एक ही पेज यूज करना है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज 1 of 1 दिखाई देगा, मतलब जैसे साइज बड़ा करते तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। बाद में इसको थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें कोई टेक्स्ट आपको हाईलाइट करें, हाईलाइट मतलब क्या, जैसे हम लोग देखेंगे तो आपकी नजर उसके ऊपर जानी चाहिए। जैसे देखो मैंने सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट, अभी मैंने आपको कहा है कि अगर वर्ड आप लोग यूज करते तो वर्ड की जो सिंगल फाइल आपके पास है उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट। मैंने हाईलाइट कलर यूज करना है, तो देखो जैसे मैंने कर्सर रखा आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है, लाइक ये जो बटन है कमांड है उसका यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मैंने क्लिक किया आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, बराबर है, तो इसमें जो भी आपको कलर चाहिए लाइक क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट हाईलाइट करेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। एक बार देखिए, मुझे चाहिए थीम्स एंड स्ट्राइक्स, ये जो लेटर्स है उसको हाईलाइट करने, तो यहाँ पर अलग अलग कलर है, एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो पेज है, उसमें जो भी लेटर्स आपको जल्दी से किसी को दिखाना है तो आप लोग हाईलाइट कलर का यूज करके दिखा सकते हैं। और बाय मिस्टेक पैराग्राफ टाइप करने के बाद कुछ लेटर्स हमें डिलीट करने मतलब क्रॉस करने है, तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट रफ करना है मतलब उसको कट करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको
दिखाया था इफेक्ट लाइक अ स्ट्राइक थ्रू, जैसे क्लिक करेंगे आपको इसके ऊपर लाइन दिखाई देगी, बराबर है। मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। मतलब ये जो टेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, उसको डिलीट नहीं करना है, खाली कट करना है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट करके उसको कट किया। अभी फिर से इफेक्ट निकालना है तो उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो कट किया हुआ टेक्स्ट था आपको ठीक से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है। वर्ड में जो भी काम करेंगे उसमें एडिटिंग करना है, उसको फॉर्मेट करना है, तो अलग अलग ग्रुप्स हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्लिपबोर्ड मैंने दिखाया, फॉन्ट ग्रुप दिखाया, अभी हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। अभी यहाँ मुझे क्या करना है, ये स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, क्लिक ऑन अ ब्लैक, बराबर है। आपको चाहिए तो फॉन्ट आपको जो अच्छा लगता है सिलेक्ट करके भी यूज कर सकते। मैंने सिलेक्ट किया लाइक अ टाइम्स न्यू रोमन। जैसे हम लोग क्लिक करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट के नाम भी दिखाई देंगे। आप लोग नाम देख के भी चेक कर सकते हैं, लाइक ये वर्धना ले सकते हैं, या तो फिर आपको चाहिए कैलिबरी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आपको एरियल चाहिए तो यहाँ से एरियल, या तो एरियल ब्लैक, एनी आपको जो अच्छा लगता है फॉन्ट सिलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने आपको कल कहा था लाइक अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमारे पेज पे कहाँ पे रखने, मतलब हम कभी डेट लिखते तो राइट साइड में लिखते, टाइटल लिखते तो सेंटर में लिखते, कुछ लेटर स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट से करेंगे। मतलब एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको कहाँ लिखना था। ऐसे देखो अभी इसको मैंने थोड़ा एंटर किया, अभी टू ए जो लेटर है वह कहाँ पे अवेलेबल है, लाइक आपको यहाँ पे दिखाई देगा लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर में चाहिए तो इस तरह से क्लिक करके सेंटर में ला सकते हैं, या तो राइट में चाहिए तो इस तरह से राइट में भी ले सकते, ठीक है। अभी मुझे इसे एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर आज की डेट है वो हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, ऑन अ राइट साइड, तो डेट इंसर्ट करूंगी मैं पहले। आज की डेट है हम लोग ऐड करेंगे। अभी ऐड करने के बाद प्रॉपरली हम लोग डेट लिखते तो प्रॉपर यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। अभी लेफ्ट में आ गया तो हम लोग इसका अलग में ही चेंज करेंगे, क्लिक ऑन अ राइट साइड, ठीक है। अभी टू जो लिखा है वो आपको कहाँ पे चाहिए, इन अ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में चाहिए तो क्लिक ऑन अ लेफ्ट। मतलब एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो भी टेक्स्ट है कि मैं उसको पीछे लेके आएंगे, बैकस्पेस करेंगे, बैकस्पेस करने के बाद लाइक हमारा एक टाइटल है उसको लेके आएंगे सेंटर में। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये जो मैंने डेट ऐड की उसका अलाइनमेंट है ये लाइक राइट अलाइनमेंट, ये जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है मेक उसका अलाइनमेंट है सेंटर, और ये जो मैंने टू ऐड किया है उसका अलाइनमेंट है लेफ्ट, बराबर है। मतलब आपका जो भी टेक्स्ट है ऑन अ पेज आपको कहाँ पे रखना है उसी तरह से हम लोग अलाइनमेंट चेंज करके रख सकते। अभी तीनों का एक साथ सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सबका अलाइनमेंट सेम रखेंगे लाइक अ लेफ्ट, दिखाई दे रहा है। सबको सेम करेंगे लाइक अ सेंटर, फिर से सेम करेंगे लाइक अ राइट। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास जो भी टेक्स्ट है जितना सिलेक्ट करेंगे उसको अपने हिसाब से आपको जैसे चाहिए वैसे अलाइनमेंट हम लोग दे सकते। सबको समझ में आ गया अलाइनमेंट किस तरह से दे सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, रिप्लाई चाहिए। सबको समझ में आ गया हाउ टू अप्लाई अलाइनमेंट, मतलब जो आपका टेक्स्ट है ऑनर पेज हम लोग किस तरह से ला सके, ठीक है। दर्शन मैम ने रिप्लाई दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन हम लोग यूज करेंगे। अभी देखो हमें तीन अलाइनमेंट सीखे, बराबर है ना, तो फोर्थ वन अलाइनमेंट वो आपको पता होना चाहिए। तो नीचे का जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है जो मैंने हाईलाइट किया उसको डिलीट करती हूँ। डिलीट करने के बाद अभी ऊपर जो पैराग्राफ है यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ हमारे पास है उसको सिलेक्ट करेंगे, जितना सिलेक्ट करेंगे उसी को हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं। साइज थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। कम करने के बाद आप देखिए ये जो टेक्स्ट अपने पास है उसे हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी देखो जैसे हमने ये टेक्स्ट देखा तो इसका अलाइनमेंट मतलब मेक वर्ड बॉक्स यू ये जो सब है इसका सेम अलाइनमेंट है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में थोड़ा आगे पीछे आपको दिखाई दे रहे, तो ये जो टेक्स्ट ये जो एक साथ आ गया
उसी तरह से यहाँ के लेटर्स भी एक के नीचे, मतलब इसका लेवल जो है वो हमें मेंटेन करना है, एक के नीचे लेके आना है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फोर्थ वन अलाइनमेंट यूज करेंगे, लाइक और जस्टिफाई, सॉरी क्लिक ऑन जस्ट, स्क्रीन पे देखिए क्लिक ऑन जस्टिफाई। पहले हमारा टेक्स्ट इस तरह का था, एक बार देखिए, ठीक है, पहले वाला हमारा टेक्स्ट था इस तरह का था जो हमने यूज किया बैक करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका जो फर्स्ट लेटर है सबकी लेवल सेम है, ठीक है, और जो लास्ट वाला हमारा जो सेंटेंस खत्म होता है तो सब आगे पीछे आगे पीछे। हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फोर्थ अलाइनमेंट जस्टिफाई। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो लाइक लेफ्ट और राइट बोथ सेम हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से आपका जो आगे पीछे का सेंटेंस है पूरा आप लोग करेक्ट करेंगे या तो अच्छा ही दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आएंगे, ये जो अभी मैंने पैराग्राफ लिया है उसका जो बीच वाला, मतलब दो जो हमारे पास सेंटेंस है उसका उसके बीच में जो गैप है इसे कहेंगे लाइन स्पेसिंग। बुक में लिखिए टू सेंटेंस, मतलब जो भी हमारे पास लाइन है सेंटेंस है उसके बीच वाला गैप है उसे कहेंगे लाइन स्पेसिंग। मतलब दो लाइन में आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना गैप रखना है वो डिसाइड करेंगे हम लोग यहाँ से लाइक लाइन स्पेसिंग। देखो जैसे मैंने क्लिक किया टू तो आपको यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब जो भी दो लाइन का गैप है इसे कहेंगे लाइन स्पेसिंग। अभी बड़ा चाहिए तो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वहां पे क्लिक करेंगे लाइक तीन नंबर पे, बराबर है, तो ज्यादा बढ़ गया। फिर आएंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, अभी छोटा करेंगे, मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ है अगर इसमें जो लाइन स्पेसिंग, मतलब जो सेंटेंस के बीच दो भी लाइन है, दो लाइन के बीच हमें जो स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, उसको हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ से लाइक टू पॉइंट्स मैंने क्लिक किया था, बाद में और भी बढ़ाना है क्लिक ऑन थ्री पॉइंट्स, बराबर है। ये आप लोग बीच का जगह, दो लाइन के बीच में जो भी गैप है, जो भी हम लोग स्पेस छोड़े वो देख सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करेंगे, अभी हमें खाली स्पेस नहीं चाहिए, रेगुलर पैराग्राफ देखना है, क्लिक ऑन 1.0, बराबर है। मतलब जो भी हमारे पास पैराग्राफ है उसमें कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना रखना है, ये हम लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, और एज अ रिक्वायरमेंट हमारे हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, या तो हम लोग छोटा बड़ा करके उसको दिखा भी सकते हैं, या तो हम लोग उसको मैनेज भी कर सकते, ठीक है। अभी मुझे चाहिए इतना, समझ में आ रहा है ऑन स्क्रीन, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है, ये जो मैंने डेट लिखा है, ठीक है, डेट के अलाइनमेंट अभी मुझे चाहिए, राइट, मतलब जो मैंने माउस यहाँ पे घुमा के दिखा रही हूँ तो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अभी इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने कर्सर रखा है उसे कहेंगे बॉर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कर्सर रखा है, जैसे क्लिक किया तो आपको क्लिक कर सकते ऑल बॉर्डर्स, ये क्लिक करेंगे तभी भी चलेगा, बराबर है, या तो हम लोग क्लिक करेंगे फिर से एक बार निकाल देंगे नो बॉर्डर, समझ में आ रहा है। अभी आपको एक एक लाइन लेनी है, लाइक क्लिक ऑन बॉटम, क्लिक ऑन टॉप, क्लिक ऑन लेफ्ट, क्लिक ऑन राइट, मतलब ये हमने बॉक्स बना दिया, बराबर है। अभी ये जो बॉक्स है उसको एक साथ पूरा निकालना है, या तो एक एक कर भी निकाल सकते, जैसे बॉटम पे क्लिक किया निकल गया, फिर टॉप पे क्लिक किया लाइन चली गई, ठीक है। एक एक करके हम लोग बॉक्स बना भी सकते या तो निकाल भी सकते, और एक ही क्लिक में आपको बॉक्स बनाने तो क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स, बराबर है। एक ही क्लिक में बॉक्स को रिमूव करना है, क्लिक करेंगे नो बॉर्डर्स, ठीक है। अभी मैंने बॉर्डर्स दे दी उसको, बॉर्डर देने के बाद ये जो हमारा डेट है उसको सेंटर में लेके आना है, तो हम लोग अलाइनमेंट यही पर भी चेंज कर सकते हैं, या तो हमें लेफ्ट में लेके आना है, तो या एज अ रिक्वायरमेंट आपका टेक्स्ट है आपको जहाँ पे रखना है तो इस तरह से अलाइनमेंट चेंज करके हम लोग उसको रख भी सकते हैं, या तो हम लोग उसको सेव भी करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी बॉक्स निकालना है तो आएंगे बॉर्डर्स में, क्लिक ऑन नो बॉर्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी आपके पास पैराग्राफ है उसको भी बॉर्डर दे सकते हैं, कोई आपके पास सिंगल टेक्स्ट है
उसको भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आएंगे लाइक अ स्टाइल। स्टाइल मीन्स क्या, अभी देखो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड किया, साइज बड़ा कर दी, ठीक है, फिर कलर अप्लाई कर दिया। ये जो मैंने अभी किया तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे क्या करना है, क्विकली फॉर्मेट करना है कोई लेटर कोई पैराग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे और जो मैंने आपको बताया था क्लियर फॉर्मेट निकाल देंगे, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा करके सिर्फ रखेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे देखो सिंपल पैराग्राफ लिखा है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इसको मैं फॉर्मेट करते बैठू, मतलब उसको कलर देना है, बोल्ड देना है, उसको फॉर्म देना है, साइज बड़ा करें, ये जो सब इफेक्ट्स है वो एक क्लिक में आना चाहिए। तो सिलेक्ट पैराग्राफ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टाइल ग्रुप, तो ये जो स्टाइल ग्रुप है इसको ओपन करेंगे लाइक अ ओपन गैलरी, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी देखो यहाँ पे ब्लू कलर है तो आप लोग ये भी ब्लू कलर दे सकते हैं, आपका टेक्स्ट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर से आएंगे, अभी आपको क्या चाहिए, जो लेटर्स है पूरे कैपिटल में चाहिए, क्लिक आना टाइटल स्टाइल, बराबर है, फिर से ओपन करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको ये वाला चाहिए लाइक अ बोल्ड भी इफेक्ट चाहिए, मतलब ये रेडी फॉर्मेट है जिसका हम लोग क्विकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा उसका फॉर्मेट अलाइनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ये स्टाइल का दिखेगा। फिर हम लोग आएंगे लाइक यहाँ पे देखो इसका अलाइनमेंट सेंटर है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आएंगे यहाँ पे आपको डार्क चाहिए तो क्लिक ऑन, ये बोल्ड है बुक टाइटल, ये भी यूज कर सकते हैं, या तो आपको खुद की स्टाइल क्रिएट करनी है, मतलब क्या, यहाँ पे दो ही कलर्स है ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू, आपको ये ब्लू और ब्लैक कलर नहीं चाहिए, आपको खुद की स्टाइल क्रिएट करनी है तो क्लिक ऑन क्रिएट अ स्टाइल। यहाँ पे देखो मतलब हमें अलग सा कलर चाहिए, अलग फॉन्ट साइज चाहिए, अलग फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये नाम हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब नंबर मैंने थोड़ा चेंज किया, बाद में मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद अभी मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, क्लिक ऑन रेड, रेड इसलिए ले रहे हो डार्क आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। रेड क्लिक करेंगे, रेड क्लिक करने के बाद बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद थोड़ा साइज भी हम लोग बड़ा करेंगे, साइज बड़ा करने के बाद यहाँ से फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी देखो मैंने क्या किया है, जो स्टाइल ग्रुप था उसमें जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी स्टाइल अवेलेबल है उनका यूज करने के बाद खुद की भी एक स्टाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखो रेड आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और ये जैसे गैलरी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे रेड कलर भी दिखाई देगा, बराबर है। हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसे ब्लू से, देखिए ब्लू में चेंज हो गया। अभी ये जो हमारा ग्रुप था उसमें रेड कलर नहीं था, हमने क्या किया खुद की स्टाइल क्रिएट करके उसको ऐड किया, समझ में आ रहा है। अभी ये जो स्टाइल अगर आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करने के बाद रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से वो कलर निकल गया, देखो ऑन स्क्रीन, सबको समझ में आ रहा है। मतलब खुद की भी स्टाइल क्रिएट कर सकती है या तो जो अवेलेबल है उसी का भी हम लोग यूज करके जल्दी से, मतलब क्विकली आपको टेबल या तो आपका जो पैराग्राफ है उसको फॉर्मेट करना है तो इजीली हम लोग जो भी हमें ऑप्शन चाहिए क्लिक करके यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सबको समझ में आएगा स्टाइल ग्रुप, यस और नो, स्टाइल ग्रुप सबको समझ लगा, ठीक है। हाँ, अभी आपके बुक्स में आइए, आपको बुक में लिख रहा है, ये सब सीखने के बाद आपको कुछ क्रिएट करके दिखाने, मतलब आपको अभी टेक्स्ट टाइप करना आ गया, आपको फॉर्मेट करना आ गया, बराबर है, आपको डेट इंसर्ट करनी कहाँ से वो पता चल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स में आइए, लिखेंगे डू इट, मतलब डू इट में हम लोग क्या क्रिएट करेंगे लाइक अ इन्विटेशन लेटर, ठीक है। लेटर आजकल कोई लिखता नहीं है, सब व्हाट्सएप या तो मैसेज से काम होता है, मगर बाय मिस्टेक आप लोग किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई ऑफर है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है,
आपको आपके जो एम्प्लॉयज है उनको लेटर भेजना है, या तो आपकी कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी स्टूडेंट है उनको कुछ मैसेज, मतलब आपको कुछ लेटर लिखना है कि सर्टिफिकेट आ गया, ये हो गया, तो आपको लेटर क्रिएट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, लाइक अ फर्स्ट वर्ड ऐड करेंगे इनविटेशन लेटर, ठीक है। एक बार देखिए, इसको पूरा बंद किया, बुक्स में लिखना आपको स्टार्ट, डू इट लिखिए, उसके आगे लिखिए इनविटेशन लेटर। स्टार्ट में आएंगे, फिर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इसी लिस्ट में ओपन करेंगे वर्ड 2013, ठीक है। ओपन करने के बाद हम लोग यूज करेंगे यूज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब अभी हमको खुद को क्रिएट करना है, तो क्लिक ऑन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद हमें लेटर क्रिएट करना है, तो लेटर का फर्स्ट वर्ड आइए बुक्स में लिखिए पेज लेआउट, देन साइज, मतलब हमारे पास जो पेज है उसको हम लोग लेटर में कन्वर्ट, मतलब जो साइज है, क्लिक ऑन अ लेटर, ठीक है। मतलब फर्स्ट वर्ड हमने क्या किया, पेज को सेट किया। पेज को सेट करने के लिए हम लोग कहाँ पे गए, पेज लेआउट में गए, साइज में गए, साइज में जाने के बाद क्लिक ऑन अ लेटर, मतलब हमें लेटर क्रिएट करना है, तो पेज हमने फर्स्ट वन सेट किया लेटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अभी ये व्हाइट बैकग्राउंड है तो उसको हम लोग कलर करेंगे। सेकंड स्टेप लिखिए डिजाइन टैब, डिजाइन टैब पेज कलर, यहाँ से कोई भी लाइट कलर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग लाइट कलर है, आपको जो भी लाइट कलर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके अपना पेज हम लोग डिजाइन कर पाएंगे, लाइक अ सिलेक्ट लाइट कलर, ठीक है। थर्ड स्टेप लिखिए, अभी ये जो पेज है लेटर है तो उसको थोड़ा डिजाइन करेंगे, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट या तो स्कूल है, तो कंपनी है, उसका हेडिंग हमें नाम लिखना चाहिए, तो थर्ड स्टेप लिखिए इंसर्ट शेप्स, रेक्टेंगल शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल शेप हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अभी ये जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसका कलर चेंज करना है, मतलब ये जो शेप मैंने लिया है उसका कलर चेंज करना है। बुक्स में लिखे फॉर्मेट, देखो जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया, जो हमने शेप लिया रेक्टेंगल, ये अलग अलग ऊपर आपको टैब दिखाई दे रहे हैं, तो डेवलपर के बाद यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया आपको एक नया टैब दिखाई देगा लाइक अ फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्या, जो भी हमारे पास शेप है उसको कलर चेंज करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, तो आएंगे शेफिल में आने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। देखो मैं अलग अलग कलर्स पे आपको माउस यहाँ पे घुमा के दिखा रही है, आपको जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी कलर सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, वो हमें निकाल देना है, तो फिर से आएंगे फॉर्मेट में, हम लोग काम करें फॉर्मेट में आएंगे, शेप आउटलाइन में आएंगे, क्लिक करेंगे नो आउटलाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो शेप है वो यहाँ पे ठीक से मैनेज करना है, बराबर है। फिर एक बार आएंगे इंसर्ट में, और आएंगे शेप्स में, और एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए हम लोग जैसे चाहिए वैसे उसकी हाइट और विथ एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ से मैंने हाइट कम कर दी, बराबर है, और यहाँ से थोड़ी सी मैंने विथ भी बड़ा कर दी, ठीक है। आपको जो कलर चाहिए, मतलब कलर चेंज करना है, तो फर्स्ट वन सिलेक्ट शेप, देन गो टू फॉर्मेट, देन शेप फील में आएंगे, एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो कलर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो क्लिक करेंगे नो आउटलाइन। यहाँ पे आपको और भी कलर चाहिए तो शेप फील में आइए, क्लिक ऑन मोर कलर्स, ठीक है। यहाँ जाने के बाद कस्टम कलर है, लाइट या तो डार्क आप लोग मैनेज करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, अभी डार्क चाहिए तो माउस घुमा के हम लोग डार्क भी करेंगे, ठीक है, या तो रेड भी यूज कर सकते। ब्लू आपको चाहिए
उसको भी लाइट या तो डार्क में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसे कस्टम में आते तो यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जो कलर चाहिए यूज करके आपका शेप कलरफुल कर सकते। फिर स्टैंडर्ड में आएंगे इधर भी अलग अलग कलर्स है। एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो कलर चाहिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपको अप्लाई करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑन ओके। मैंने अभी चेंज किया, रेड लिया, फिर ब्लू लिया, फिर ग्रीन लिया, अरे ओके करेंगे तो आपको चेंज दिखाई देगा। ठीक है, अभी मुझे ब्लू कलर ही चाहिए तो इसको फिर से हटाने क्लिक ऑन ब्लू कलर। समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर लेटर क्रिएट करने, लाइक अ नाम है इनविटेशन लेटर। तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, आएंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। मतलब अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है लाइक अ इनविटेशन लेटर। तो जो भी हमारे पास लेटर है या तो टेक्स्ट है, ठीक है, अभी ये जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी मैंने आपको होम टैब सिखाया, साइज बड़ा करेंगे। साइज बड़ा करने के बाद अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सब कैपिटल में हो गया और सेंटर में रखेंगे। थोड़ा इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करना है। आएंगे फॉर्मेट में, कलर हमें नहीं देना है, जो ऑलरेडी उसी को अप्लाई करेंगे। क्लिक ऑन नो फिल, आउटलाइन में क्लिक ऑन नो आउटलाइन, बराबर दिखाई दे रहा है। फिर से सिलेक्ट करेंगे, होम में बोल्ड करना है, बोल्ड करेंगे। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, या ऐसा एज अ रिक्वायरमेंट और साइड में क्लिक कर सकते। ओके, समझ में आ गया। हमने क्या किया अभी, लाइक नया पेज ओपन किया, उसको कलर किया, फिर शेप्स का यूज किया, फिर हमने ऐड किया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट ऐड करें। डेट ऐड करना है तो कहाँ पे जाएंगे, अपने बुक में लिखे हर बार पूरा लिख के रखना है। इंसर्ट में आएंगे, फिर आएंगे डेट एंड टाइम में आएंगे। यहाँ आने के बाद आज की डेट है आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे, तो मुझे वीक डे डेट चाहिए तो मैंने सिलेक्ट किया मंडे 17। ठीक है, अभी थोड़ा उसको फिर से फॉर्मेट करेंगे, लाइक थोड़ा बोल्ड बना देंगे उसको। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी साइज बड़ा करनी है, बोल्ड करेंगे। आपको यही कलर चाहिए, खाली अलाइन में ही चेंज करेंगे। समझ में आया सबको, बराबर है। मतलब डेट हमने कहाँ पे लिखी है, ऑन राइट साइड। अभी ये जो इनविटेशन लेटर है तो किसी स्कूल का है, किसी किसी कंपनी का है, किसी इंस्टीट्यूट का है, तो वो भी हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जिसको भी भेजना है। अभी अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करेंगे, एंटर करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है। ठीक है, अभी यहाँ क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे टू लिखना है, जिसे भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं एंटर करेंगे। टू मैनेजर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो टू टीचर स्टूडेंट एज ए रिक्वायरमेंट, आपको जो भी चाहिए उसी तरह से हम लोग टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मतलब ये जो लेटर है हम लोग स्टूडेंट को लिख रहे हैं कि कोई इन्विटेशन आपको भेजना है, लाइक अ कलेक्ट योर सर्टिफिकेट, या तो कुछ इवेंट्स है, या तो प्रोग्राम है, या जो दो मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको इन्वाइट करना है। तो इस तरह से लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लाइक हम लोग किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे तो हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट का यूज करेंगे। बाय कंप्यूटर सबको बताए, लाइक एजुकेशन। ठीक है, बाय कंप्यूटर एजुकेशन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एंटर करेंगे पनवेल। ओके, मतलब ये जो स्टूडेंट के लिए लेटर भेजा है तो ये हमने क्या लिखा, लाइक एड्रेस। थोड़ा बोल्ड आपको चाहिए तो कर सकते हैं, साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये पनवेल है, बराबर है ना, उसको आपको रेड अंडरलाइन दिखाई दे रही, मतलब क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या यहाँ पे,
स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिखाई दे रहे हैं, यस और नो चैट बॉक्स में रिप्लाई देते जाइए, राइट क्लिक करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, बराबर है। फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग पी को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ओके समझ में आ रहा है। फिर एंटर करेंगे, अभी एंटर करने के बाद आपका जो लेटर से ठीक है, तो उसमें कुछ तो सब्जेक्ट होता है, लाइक कुछ इनविटेशन आपको देना है या तो कुछ आपको लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, इनवाइट फॉर लाइक अ पार्टी, या तो फिर लिखेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट, ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट क्यों आएंगे, तो लिखेंगे लाइक अ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मुझे लिखना है सर्टिफिकेट, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा वगैरह देना है, जो भी हम लोग लेटर्स लिखते हैं तो थोड़ा उसका यूज करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी दो तीन लाइन्स है, मतलब हेलो स्टूडेंट ये प्रोग्राम है इस दिन को, तो आप लोग पूरा आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे अभी जो हम लोग हमेशा लेते हैं वही पैराग्राफ, मतलब मेरे पास पूरा लेटर लिखने के लिए टाइम नहीं है, एंटर किया, एंटर करने के बाद जितना टेक्स्ट है उतना ही मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये लेटर मैंने स्टार्ट किया। बाद में नीचे आके हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम से वो कहाँ पे है, किस टाइम पे है, कौन सी डेट को है, तो हम लोग आएंगे इंसर्ट में, छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे, अपने बुक्स में लिखो इंसर्ट, देन टेबल, टेबल में क्या हम लोग इस तरह से थोड़ा क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ताकि जो आपका प्रोग्राम से वो किसके लिए है, तो लिखेंगे टीचर, या तो खाली स्टूडेंट लिखिए, हम लोग अभी तक स्टूडेंट ही लिखते आए, स्टूडेंट लिखिए, ठीक है। नीचे आएंगे कहाँ पर है, तो लाइक हमें लिखना है एड्रेस, या तो हम लोग वेन्यू ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एड्रेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो करना है वो कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, या तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट लिखने के बाद नेक्स्ट वन में लिखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा मैं निकाल देती हूँ, पहले हम लोग डेट ऐड करेंगे, ठीक है, डेट आपको चाहिए तो डॉट डैश करके भी दे सकते हैं, यहाँ पे डैश करके दीजिए, डेट हमें कौन सी चाहिए, हम लोग अभी आज की डेट ही यहाँ से लेते हैं, आज की डेट लेंगे तो थोड़ा ठीक है, दो तीन दिन आगे जाएंगे, 22nd बराबर है ना, अभी जो डेट है हॉलीडे का वो मैं डाल देती हूँ, लाइक अभी का 8 है और बाद में 20, ठीक है, ये डेट मैंने ऐड कर दी। बाद में आएंगे कि उसकी जगह, मतलब कहाँ पे मीन्स हम लोग ऐड करेंगे वेन्यू, ठीक है, अभी ये जो हमें एड्रेस चाहिए तो एज अ रिक्वायरमेंट हम लोग लिखेंगे पनवेल में हम लोग लिख सकते हैं, बाइट कंप्यूटर्स, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है आपके इंस्टीट्यूट में ही आपको मिलेगा, तो क्लिक ऑन पनवे बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये वाला फॉर्मेट है, तो इसके लिए कौन कौन इन्वाइट है, मतलब आप लोग किस किस को यहाँ पे भेजने वाले हैं वो भी लिख सकते हैं, या तो कौन सी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लाइक MSCIT, ठीक है, एंड लिखे बीच में टैग। अभी ये जो मैंने टेबल में ऐड किया है, तो टेबल से मुझे टेक्स्ट निकाल देने, तो हम लोग क्या करेंगे, दर्शन है मैम आप बता सकते हैं, अभी मैंने जो टेबल में ऐड किया है तो मुझे क्या करना है, टेबल को हटा के सिर्फ मुझे टेक्स्ट वहां पे चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो किस तरह से निकाल देंगे, दर्शन है मैम मुझे आंसर दीजिए, ठीक है, हाउ टू रिमूव टेबल, मतलब जो टेक्स्ट हमने टेबल में, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमने टेबल में टेक्स्ट ऐड किया है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये टेबल निकाल के ओनली टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, तो हम लोग किस तरह से निकाल देंगे, इसको आ रहा है जल्दी से, हेलो दर्शन मैम आंसर दीजिए, ठीक है, आपको एक बार याद दिलाती हूँ, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे लेआउट में, लेआउट में आने के बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब टेबल को हटा के हमें जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके करेंगे और छोड़ देंगे, आ गए बराबर। अभी आपको जो भी चाहिए सिलेक्ट करेंगे, साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर दीजिए, जहाँ पे ब्लू कलर है थोड़ा हम लोग इग्नोर करेंगे, या तो करेक्शन करेंगे, ठीक है, आपको जहाँ पे कुछ गलत दिखाई दे रहा है रेड कलर या तो ब्लू कलर, तो इस तरह से ऐड कर सकते, समझ में आ गया सबको, ठीक है, जो भी टेक्स्ट देखो ये
हमारा इस तरह का टेबल था, समझ में आया? ये जो टेबल था उसको मुझे क्या करना है, टेबल को निकाल के ओनली टेक्स्ट ऑन स्क्रीन पे दिखाना है। तो मैंने ये प्लस पे मतलब सिलेक्ट ऑल किया टेबल, फिर लेआउट में आ गए और यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और बाकी के जो चेंजेस थे मतलब जो ब्लू अंडरलाइन है, रेड अंडरलाइन है, उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए यस और नो। सबका ध्यान है ऑन स्क्रीन, चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया, ठीक है। दर्शन मैम यस, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, आए अरबाज ने रिप्लाई दिया यस मैम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये क्रिएट होने के बाद हमेशा जो लेटर रहता है उसमें किसी का सिग्नेचर रहता है या तो नाम रहता है, ठीक है। हम लोग आएंगे इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स फिर से ड्रॉ करेंगे, हमें टाइपिंग नहीं, हम लोग बाय मिस्टेक कभी टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा तो हम लोग किसी का सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना है टेक्स्ट बॉक्स में, हम लोग किसी का सिग्नेचर ऐड करेंगे। ठीक है, ये मेरा ही नाम मैंने डाल दिया, उसको राइट क्लिक करेंगे, इग्नोर करेंगे क्योंकि जो भी अंडरलाइन आती नहीं चाहिए, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो सिग्नेचर है थोड़ी कर्सिव में अगर लेंगे तो अच्छी दिखाई देंगे, देखेंगे अलग सा फॉन्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है क्या, इस तरह से देखो या तो इस तरह से देखो, ठीक है। आपको जो भी चाहिए ये भी अच्छा है। और जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे, फॉर्मेट नो फील नो आउटलाइन, समझ में आ रहा है सबको, मैं जो भी आपको बता रही। अभी ये हमें कहाँ पे चाहिए तो थोड़ा कॉर्नर में रखेंगे, हो गया। आपको यहाँ पे चाहे सिग्नेचर लिख भी सकते। ये लेटर क्रिएट होने के बाद जो इंस्टीट्यूट है मतलब आपको कुछ लोगो रखना है, कुछ पिक्चर रखना है तो वो भी हम लोग रख सकते हैं। देखिए इंसर्ट में आएंगे, पहले पिक्चर में देखते कोई पिक्चर अवेलेबल है क्या। ऑनलाइन पिक्चर में आएंगे, अभी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड ये है तो कंप्यूटर का इमेज हम लोग सर्च करके वहां पे रख सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको जो भी अच्छा लगता है इमेज सिलेक्ट करो, ऐड करो, मुझे ये वाला चाहिए, इंसर्ट किया, ठीक है। फिर साइज थोड़ा कम कर देंगे, साइज कम करने के बाद ये जो टेक्स्ट है अभी वर्ड में देखो ये मुंह होना थोड़ा डेंजर, मतलब जल्दी से मुंह नहीं होता है, उसको पोजीशन सेट करना है, यहाँ से क्लिक करके करेंगे तभी भी चलता है, ठीक है। या तो फिर हम लोग यहाँ से भी पोजीशन अप्लाई करेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, छोटा बड़ा चाहिए तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? मैंने ये जो सिंपल सा लेटर क्रिएट किया है लाइक अ इनविटेशन लेटर, अभी ये लेटर है उसको मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। देखो बॉर्डर अप्लाई करने के बाद कभी कभी आपका जो टेक्स है बॉर्डर के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो वो भी हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। आएंगे पेज बॉर्डर पे, आने के बाद यहाँ से हम लोग सिंपल वाला इमेज फाइंड आउट करेंगे जो अच्छा भी लगे, लाइक दिस मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद अभी क्या क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आपका जो ऊपर का टेक्स्ट है वो चला जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये पिक्चर है उसको थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब मूव करना इजी रहता है, ठीक है। ये अभी मैं बॉर्डर निकाल देती हूँ क्योंकि फिर से मुझे पूरा का पूरा करना पड़ेगा, आप पहले बॉर्डर ऐड कीजिए और बाद में। ये अभी देखो प्रिंट निकालने के बाद किस तरह से दिखाई देगा, फाइल में आएंगे क्लिक करना प्रिंट बटन, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। जो भी आपको करेक्शन करना है फिर से बैक आइए, यहाँ पे देखिए अगर आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है या तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वो भी हम लोग करेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा सबको इनविटेशन लेटर? इनविटेशन लेटर के लिए आपको यूज करना है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, कुछ वाटर मार्क्स रखना है तो वो भी रख सकते हैं, मतलब आपके इंस्टीट्यूट का नाम रखना है आएंगे कस्टम वाटर मार्क में, या फिर हमारे जो इंस्टीट्यूट है लाइक अ टेक्स्ट ऐड करेंगे बाइट
ठीक है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। 48 मैंने लिया और ओके के ऐसे अप्लाई पे क्लिक किया। अभी क्लोज करके देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाइट कलर। एक मिनट, सो कलर में चेंज करती हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे, ये जो ग्रे कलर है थोड़ा डार्क लेती हूँ कि आपको वहां पे दिखाई दे। बराबर है, समझ में आया? मतलब ये जो लेटर है ये बाइट से आपको मिला है या तो बाइट इंस्टीट्यूट ने आपने भेजा है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड किया वाटर मार्क। यहाँ पे देखो मैंने माउस कर्सर रखा, आपको दिखाई देगा ये बाइट इंस्टीट्यूट का नाम है, आज की डेट हमने ऐड कर दी। बराबर है, इसी में हमने टेबल का भी यूज किया है, इसी में हमने टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज किया है, इसी में हमने पिक्चर को भी इंसर्ट किया। ठीक है, सबको सब समझ में आया? आगे लिखो हाउ टू से डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से किस तरह से करें? आएंगे फाइल में, फाइल में आने के बाद सेव एज, सेव एज में आने के बाद आपको क्या करना है, ऑन अ डेस्कटॉप खुद का यानी खुद के नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। अभी जब हम लोग वर्ड में काम करेंगे तो रोज कुछ ना कुछ क्रिएट मतलब डू इट करेंगे, तो अपने फोल्डर में सेव होना चाहिए। क्लिक ऑन अ न्यू फोल्डर, यहाँ क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास कोई स्टूडेंट है तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे, नया स्टूडेंट है जिसका नाम है अरबाज। तो फोल्डर में मुझे नाम लिखना है, ठीक है, फोल्डर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लाइक अ लेटर या तो इनविटेशन लेटर और सेव करेंगे। ठीक है, समझ सबको समझ में आ गया हमने किस तरह से लेटर बनाया है? कोमल, दर्शना, आपका रिवीजन ठीक से हो रहा है? समझ में आ रहा है सब आपको? अरबाज, ठीक है, सबने रिप्लाई दिया यस मैम। मतलब हमने आज वर्ड में क्रिएट किया है इनविटेशन लेटर। ठीक है, इनविटेशन लेटर आप लोग आपके पास देखो मोबाइल है तो मोबाइल में ऑफिस 365 बुक्स में लिखे ऑफिस 365 इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसी में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने सिखाया, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आपने प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे ऑफिस 365 इंस्टॉल करके वहाँ पे आप लोग वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सेम वहाँ पे ये जो टैब्स है इंसर्ट टैब, होम टैब, सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और छोटा सा आप लोग लेटर क्रिएट करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज भी सकते, ठीक है? सबको समझ में आ गया? हमने आज स्टार्ट किया वर्ड, हमारी फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है रेड बार है जिसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार, मतलब हमने जो फाइल सेव करके रखी है उसका नाम है लेटर। आप फुल नेम भी लिख सकते हैं, इनविटेशन लेटर, ठीक है? देखो किस तरह से कलरफुल बनाया है, यहाँ पे हमने सिंपल सा यूज किया है। ओके, आपको बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर्स के लिए हम लोग ये जो टेक्स्ट थोड़ा नीचे लेके आएंगे और ऊपर से हम लोग बॉर्डर्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, इसको सेव किया है, सब लोग सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है? आज के दिन हम लोग यहीं पे रुकेंगे। ओके, चलो आज का सेशन यही खत्म हो गया, कल हम लोग सेशन नंबर 9 कम्प्लीट करेंगे और सेशन 10 भी हम लोग क्लियर कर देंगे। ओके, चलो बाय बाय।